नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जांच पड़ताल करवाएंगे, बाबा हमारे साथ हैं। और देखिए, बिहार में कुर्सी की लड़ाई है। 2025 चुनाव से ठीक पहले अब ये चर्चा छिड़ गया है कि सीएम की कुर्सी किसकी। इसमें कई दावेदार थे जो अब बाहर भी हो चुके हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी कहीं ना कहीं ये चर्चा होती है। अंदर अंदर वो जब सोचते हैं उस कुर्सी के बारे में, तो ये सोचते हैं कि क्या हमने गलती तो नहीं कर दी। सम्राट चौधरी को याद कीजिए, सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत करेंगे। सम्राट चौधरी, जिनका नाम सीएम के फेस के लिए सबसे ज़्यादा था, सबसे टॉप पर सम्राट चौधरी चल रहे थे, और तब जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, बीजेपी ने अचानक सम्राट चौधरी को फ्रेम में कर दिया। लॉकर समीकरण के एक वोट बैंक को साधने की कोशिश सम्राट चौधरी की तरफ से करवाई जा रही थी, काफ़ी एग्रेसिव भी थे, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार बीजेपी में आते हैं, एनडीए गठबंधन में आते हैं, सम्राट चौधरी का वो संकल्प, वो पगड़ी और सीएम की कुर्सी सबको जबरदस्ती खींच कर उनको हटा दिया जाता है, यानी सम्राट चौधरी सबसे पीछे चले गए। इसके अलावा आप चिराग पासवान से लेकर के कई ऐसे नाम हैं जिन नाम पर आज भी दांव पेच चलते रहता है कि क्या होगा। क्या नीतीश कुमार ने एक ऐसा खेल कर दिया है बिहार में जो किसी भी नए व्यक्ति को सीएम बनने के राह में उनकी अड़चने आ रही हैं। आज जांच पड़ताल का विषय यही है, और इस विषय को लेकर हम बाबा के पास जुड़े हुए हैं, बातचीत करेंगे। तेजस्वी यादव भी इस रेस में हैं, उन तमाम चर्चाओं पर बातचीत होगी। वह क्या लगता है, नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ कभी चले जाते हैं, कभी एनडीए गठबंधन के साथ चले आते हैं, इससे जो बाकी सीएम फेस के चेहरे हैं, क्या वो चेहरे उन पर मतलब संशय बरकरार हो जाता है लोगों का? क्या नीतीश कुमार ने ऐसा कर दिया है कि सीएम बनते रह जाते हैं लोग? देखिए नमन जी, एक बात कहते हैं कि चाहे जिस भी राजनीतिक दल की बात कर लें जी, कुछ लोगों को छोड़ करके, तो उनके पास ये ग्रीवांसेस नहीं है कि नीतीश कुमार को लेकर के वो नीतीश कुमार की कमियों को, नाकामियों को उजागर कर सकें, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा रहता है, डर रहता है कि नीतीश कुमार जब उनके पास आएंगे तो फिर किस तरह से उनके साथ सर्वाइव कर पाएंगे। कार्यकर्ताओं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुख्य नेताओं की बात कर रहा हूँ। जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो श्रेष्ठ नेतृत्व के लोग हैं, अब वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार पर वो हमलावर हों। जैसे मानते हैं कि आप देखे होंगे कि इतना अदावत चल रहा है नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में, अमित शाह और नीतीश कुमार को देखे हैं कभी अमित शाह को बोलते हुए? कुछ नहीं, चुप रहते हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी यदा कदा कभी कभी बोल देते हैं, जैसे उन्होंने एक दो बार बोल दिया है जिसके परिणाम उन्हें झेलने पड़े हैं, जैसे डीएनए वाली बात, तो आपने देखा कि नतीजा क्या हुआ, उसको वो डीएनए ही बिहार से उनको सत्ता से बाहर कर दिया। फिर हल्दी गुर्दी भी बोल दिए। हाँ, तो ये सारी परिस्थितियाँ उन लोगों के लिए हैं। लालू प्रसाद के तेजस्वी यादव की बात कीजिए, सत्ता में रह करके जिस तरह से हाथ पर हाथ रख करके उनके पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर थे, वो सभी बातें कुछ ना कुछ इशारा जरूर करती हैं कि उनको पता है आज अलग हैं। पूरे 2024 के चुनाव में आपने देखा एक बार भी नीतीश कुमार को कहीं घेरा हो? जब घेरेंगे तो आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे। तो इसका सीधा मतलब है कि इन लोगों के पास वो मादा नहीं है कि वो नीतीश कुमार को सीधे टारगेट कर सके। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार से जितना ये डरेंगे, उतना ही ज़्यादा नीतीश कुमार की कुर्सी से ये दूर होते जाएंगे। तेजस्वी यादव नहीं बोल सकते हैं, इसलिए उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिल सकती है। नीतीश कुमार कह भले दें कि मेरे बाद इन्हीं लोगों का है, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जो नीतीश कुमार के समकक्ष खड़े हैं और नीतीश कुमार को जवाब भी दे रहे हैं। भले उनका राजनीतिक कद नीतीश कुमार के बराबर नहीं हो, भाजपा के बराबर नहीं हो, तेजस्वी के बराबर नहीं हो, तेजस्वी के बराबर कहने का मतलब होता है लालू के बराबर, उनकी पार्टी के बराबर, इन सब लोगों पर कहीं ना कहीं अब एक नई पीढ़ी जो है वो हावी होती जा रही है। और नई पीढ़ी में तलाश चल रही है नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की। क्यों तलाश चल रही है सभी जानते हैं, नीतीश कुमार अस्वस्थ रहते हैं। नीतीश कुमार और कितने दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं? 5 साल के बाद कौन ऐसा होगा जो आज से तैयारी करेगा? तब में 5 साल के बाद होगा, क्योंकि पिछले 35 सालों में तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने किसी को खड़ा नहीं किया। लालू प्रसाद जेल भी गए तो अपनी पत्नी को बना दिया, कितनी योग्य कितनी अयोग्य इस पर हम बहस नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने जब उनका मन भर गया था, उनको लगा कि थोड़ा सा और अपने आप को प्रूफ करें, तो उन्होंने जीतन राम मांझी को बैठा दिया। क्या और लोग नहीं थे? बहुत सारे लोग थे। जीतन राम मांझी को जिस उद्देश्य से बैठाया था उन्होंने, सबको पता है किस उद्देश्य से बैठाया था। तो ये बिहार की राजनीति का ये 35 साल है, और इस 35 साल में
कहीं ना कहीं बिहार की जनता अब एक परिवर्तन की तरफ देख रही है। दो दिन पहले हमने देखा कि संपादक नवीन मिश्रा जी पंचनामा पे बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर बदलाव सही मायने में होता है तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, इससे लोकतंत्र और मजबूत और प्रगाढ़ होता है जी। तो ऐसी स्थिति में बदलाव आखिर होगा कैसे? क्या भारतीय जनता पार्टी बदलाव करेगी? जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से किसी भी मुद्दे पर डिफरेंसेस नहीं बता सकती है, डिफरेंसेस होने के बाद भी नहीं मुंह से बोल सकती है, केंद्रीय योजनाओं और नरेंद्र मोदी के योजनाओं को रणनीतियों को बिहार में लागू नहीं कहता, उस पर भी चुप रहती है, क्या वो नीतीश कुमार के साथ दो दो हाथ करेगी? कभी नहीं कर सकती है, जब करेगी तो वो उनसे अलग होकर ही करेगी। हाँ बिल्कुल, ये यही ऑप्शन है उनके पास में। बिल्कुल, तक अलग और वो भी करेंगे तो एक सिस्टमेटिक, एक कहा जाए तो पर्दे के दायरे में करेंगे, ये नहीं कि खुल करके नीतीश कुमार को, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अचानक से अगर कर दे तो बात अलग है। वही हाल राष्ट्रीय जनता दल का है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार ने हर वो तिकड़म आजमा लिया है। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है वो आपके सामने है, जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही पीछे ढकेलते जा रहे हैं। ये सारी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि बिहार, बिहार की जनता चाहती है कि बदलाव हो, लेकिन किस आधार पर, किस बेसिस पर? तो अब जो नई पीढ़ी के लोग आए हैं सामने, जिनमें से लगभग आधा दर्जन के आसपास नाम हैं जो नीतीश के उत्तराधिकारी की होड़ में अपने आप को रखते हैं, अब ऐसी स्थिति में आप समझिए कि इस होड़ में हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी और इनका चिराग पासवान का नाम बहुत तेजी से आगे आया था। तेजस्वी के बाद यदि कोई उत्तराधिकारी की लिस्ट में था तो इन दोनों का नाम बहुत तेजी से आया था। सम्राट का इसलिए कि लौह कुश समीकरण के हैं, तो लौह को तो बहुत दिन तक मौका मिला, 20 साल से नीतीश कुमार हैं, तो अब कुशवाहा को मौका मिलना चाहिए, तो उसके लिए उनका नाम सबसे ऊपर रखा है। इससे पहले आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा का नाम आया था, जब उपेंद्र कुशवाहा 2020 के चुनाव के बाद 2021 में आकर के अपनी पार्टी का विलय किए थे तो उनको भी उत्तराधिकारी माना जा रहा था, लेकिन वो भी टिक नहीं पाए, उनका भी रास्ता साफ हो गया। ऐसी स्थिति में आप एक बात समझ सकते हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें असली उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो चुकी है और उसमें कई नाम जुड़ते नजर आ रहे हैं। जैसे सबसे पहला नाम प्रशांत किशोर का आप रख सकते हैं, प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बनाई है और नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें देखा गया है एक लंबे समय तक, कई वर्षों तक वो नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी पर बैठा करते थे और उत्तराधिकारी की लिस्ट में थे, उनके मन में भी कहीं था कि नीतीश कुमार के बाद वही बिहार को देख रेख करेंगे, बिहार को आगे लेके चलेंगे। इस लिस्ट में और भी कई लोगों के नाम जुड़ते चले गए, जैसे ही इनका नाम समाप्त हुआ वैसे ही आरसीपी सिंह का नाम आ गया और वो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाने लगे। आज दोनों की स्थिति क्या है, हम इस पर भी चर्चा कई बार कर चुके हैं कि दोनों ने अपनी अपनी पार्टी बना ली है और दोनों एक ही महीना में पार्टी बनाए हैं, एक ने 2 अक्टूबर को, एक ने 31 अक्टूबर को। इसके मायने और इसके संयोग क्या हो सकते हैं, ये संयोग है या प्रयोग है? क्या ऐसा तो नहीं कि जब प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को बनाया और एक महीना का इनका ग्राफ देख करके जो इनकी पार्टी बनाने के लिए सहयोग कर रहे थे या इनकी पार्टी बनने से जो ऊंची नीच होने का फायदा, वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा जो नजर आ रहा था वो नहीं नजर आया तो फिर इनको खड़ा किया गया, ये भी बात हो सकती है जी। बहुत सारी प्लानिंग और बहुत सारी बातें लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं और इस चर्चा में एक तरफ जहां प्रशांत किशोर वहीं आरसीपी सिंह के तरफ लोग देख रहे हैं कि उत्तराधिकारी की लिस्ट में ये शामिल है और दोनों नीतीश कुमार को सामने से चैलेंज कर रहे हैं। नीतीश कुमार की शराबबंदी की नीति हो, नीतीश कुमार की जमीन सर्वे की नीति हो, नीतीश कुमार का स्मार्ट मीटर हो, इन सभी पर इन दोनों ने खुल करके बात की है। इसके आगे यदि आप बढ़ते हैं तो एक नाम चिराग पासवान का भी आता है जो नीतीश कुमार की आलोचना 2020 से लेकर के 2024 के चुनाव तक किया करते थे, मतलब 2024 के जनवरी तक, जब तक नीतीश कुमार वापसी नहीं किए थे दोबारा एनडीए में। उसके बाद से जब नीतीश कुमार आए और नीतीश कुमार जब शामिल हुए तो धीरे धीरे करके चिराग पासवान को ये समझ में आने लगा कि नीतीश कुमार से दुश्मनी नहीं की जा सकती है बिहार में रह करके, तो उन्होंने भी देख लिया कि किस रास्ते पर भाजपा चल रही है तो लगातार सत्ता में शामिल है, किस रास्ते पर तेजस्वी यादव चल रहे हैं तो बीच बीच में सत्ता में आ जाते हैं, तो क्यों नहीं उसी रास्ते को अपनाया जाए। और इन्होंने जो अपना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट था,
वो उसको थोड़े समय के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया। हालांकि आज भी उनकी टीम कहती है कि चिराग पासवान जैसे सत्ता में आएंगे तो वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में वो जो लगातार एक उत्तराधिकारी की लिस्ट में शामिल थे उसमें अभी भी शामिल हैं, लेकिन वो स्पार्क नहीं है जो इन दोनों के पास जी, स्पार्क भी इस बात की चर्चा हम लोग पंचनामा कर भी रहे थे। इसी के साथ आप आगे बढ़िएगा तो संतोष मांझी का नाम आपने सुना होगा, जीतन राम मांझी के पुत्र हैं और जीतन राम मांझी ने खुद उन्हें मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में सबसे मजबूत बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर तेजस्वी यादव बन सकते हैं तो मेरा बेटा क्यों नहीं बन सकता है, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं तो मेरे बेटे में क्या कमी है, मुझसे ज़्यादा योग्य है, पढ़ा लिखा है, हर तरह से तीन तीन विभाग को चला रहा है। तो इन सारी बातों को लेकर के संतोष मांझी भी उस रास्ते में खड़े नजर आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव से ज़्यादा जो मुख्यमंत्री की होड़ में रहने वाले लोग हैं यही हैं। कारण कि बाई फ्लुक होता है सब कुछ, आपने देखा कि जब जब मुख्यमंत्री बिहार में बदला है तब तब ऐसे ही रैंडम लोग चुन करके आए हैं जिनको कोई नहीं चाहता जानता था कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो उसके अलावा मुकेश सहनी का नाम भी बहुत तेजी से आगे चल रहा है, मुकेश सहनी भी कोई कहे या न कहे मुकेश सहनी अपने स्तर से अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं, उनकी टीम मानती है, उनके शुभचिंतक मानते हैं, समर्थक मानते हैं, इसको लेकर के उन्होंने कसम क्रिया भी खिलवाया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावे अगर बात करें तो मुकेश सहनी के बाद उपेंद्र कुशवाहा जिनकी चर्चा हम कर रहे थे वो भी आज तक अपने आप को मुख्यमंत्री मानते हैं। सिर्फ इनकी बात हम क्यों करें, जब कुशवाहा समाज की बारी आएगी तो उसमें नागमणि कुशवाहा क्यों पीछे रहेंगे। नागमणि कुशवाहा भी अपनी पार्टी बना लिए हैं, कभी नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक रहे, कभी वो इनके उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहे, कभी अपनी पार्टी बना करके रहे जी। ये सब कुछ करने के बाद कहीं ना कहीं नागमणि कुशवाहा ने अपनी पार्टी जो बनाई है और उनके पिताजी के नाम पर कुशवाहा समाज को आगे बढ़ाने की बात करता है, तो उनके बेटा क्यों नहीं, जब सबके बेटा लाइन में हैं तो जगदेव बाबू के बेटा भी लाइन में रहें। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि चारों सदन में रहने का उनको अनुभव प्राप्त है, मंत्री तक रहे हैं जी। तो ऐसी स्थिति में नागमणि कुशवाहा ने जो पार्टी बनाई है तो वो क्यों नहीं, नीतीश के उत्तराधिकारी के रूप में वो भी अपने आप को मानते हैं, लगातार इधर आपने देखा होगा कि वो कार्यक्रम कर रहे हैं, घूम घूम करके लोगों को एकजुट कर रहे हैं। इसके अलावा आप एक और शख्स हैं जिनको उनके वास्तविक हक से बाहर कर दिया गया है, आईपी गुप्ता। तो फिर आईपी गुप्ता क्यों नहीं हो सकते हैं, जब दलितों में सब हो सकते हैं तो जिसके पास 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ की आबादी जिसकी है जी, क्या उसको हक नहीं है, बिल्कुल हक, जिसको अब तक आजादी के बाद एक दिन भी मौका नहीं मिला किसी सदन में जाने का, कहीं पर उनको पूछा गया, किसी भी राजनीतिक गलियारे में उनको स्थान दिया गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब वो समाज एकजुट हो रहा है और नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की लिस्ट में असली लोगों में ये भी एक नाम बहुत तेजी से, मतलब वो आगे आईपी गुप्ता का बहुत तेजी से। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आईपी गुप्ता का जब जब नाम लेते हैं तब तक मुझे याद आने लगता है वो लोग जिनका निरंतर हम आम लोगों का भाषण सुन रहे हैं, आप लोगों का बात सुन रहे हैं, उनके बयान सुन रहे हैं, वो ज्यादा प्रभावित करने लगा है। क्योंकि शुरू से मैं देख रहा हूं कि जब से पान समाज के बारे में लोगों के डोमेन में आया, पब्लिक डोमेन में आया कि पान समाज एक ऐसा समाज है, संगठित समाज है और यह दलित समाज का हिस्सा हुआ करता था, अब तो वो अति पिछड़ा समाज में आ गया है, लेकिन जब तक ये दलित समाज में था तब तक इस समाज का संगठनिक तौर पर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा अपना प्रभाव रहा है, काफी शिक्षित लोग हैं और इनके शिक्षित होने का ये आपको नजर आता है कि छोटा बच्चा से उठाकर देख लीजिए बुजुर्ग तक, गांव के अंतिम पायदान पर खड़ी महिला को या फिर गांव का किसानी करने वाला या अन्य काम करने वाला बुजुर्ग हो, सभी आपको उसी शैली में उसी भाषा में बात करेंगे जो काफी अपने समाज के प्रति समर्पित भाषा होती है, और ये ट्रेनिंग कहीं ना कहीं इस समाज के लोगों को मिला हुआ है। यही बात है कि आईपी गुप्ता कहते हैं कि मुझे थोड़ा और मौका मिल जाता हमारे समाज को तो हम और ज्यादा हम खुद ही अपने आप को उससे अलग करने की बात करते हैं। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि उस लाइन में खड़ी है कि नीतीश कुमार के बाद उत्तराधिकारी हम होंगे, इसके बाद आप तेजस्वी यादव की बात कर लें, उनको लगता है कि नीतीश कुमार का असली विकल्प हम ही हैं, बारिश हम ही हैं, तो ये सब अपने अपने हिस्से का जो सत्ता है वो भोग चुके हैं,
चाहे वो साथ में रह करके भोगें या फिर पीछे रह करके भोगें। अब जो अब बदलाव की बात हमने कहा है, उस बदलाव में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण आती हैं। पहली ये कि 15 साल तक जिस तरह से मैं जो बातें कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि जो स्थितियाँ बनी हैं उसमें नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर से हटते हैं जी। या हटाए जाते हैं या किसी कारणवश उनको खाली करना पड़ता है तो उत्तराधिकारी कौन होगा। तो पहले तो आप देख लीजिए कि लालू प्रसाद और कांग्रेस ये दोनों मिलकर के 15 साल तक कांग्रेस की स्थिति आज ऐसी क्यों है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद के पीछे पीछे चलना, चाहे बिहार की राजनीति में हो या केंद्र की राजनीति में। यूपीए 1 और यूपीए 2 में आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद ने कांग्रेस को डोमिनेट किया है। कांग्रेस सत्ता में जरूर थी, बड़ी पार्टी जरूर थी, उसके प्रधानमंत्री जरूर थे, लेकिन डोमिनेट कौन करता था तो लालू प्रसाद करते थे। और ऐसी स्थिति में पूरी तरह से कांग्रेस धीरे धीरे करके कमजोर होती गई क्योंकि देश के लोगों को लगा कि कांग्रेस अपना अस्तित्व जो है खो रही है, दूसरी अपने आइडियोलॉजी से भटक रही है। दूसरी तरफ पिछले 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार के पीछे पीछे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। अब इसको लेकर के भी लोगों के दिमाग में बात है कि अपनी आइडियोलॉजी खो रही है। खास करके दो सेक्टर को बांट लीजिए, एक सेकुलरिज्म वाला सेक्टर जो कि ये समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी सेकुलरिज्म कर सकती थी लेकिन नहीं कर रही है, यानी नीतीश कमजोर हुए हैं तो ये एक दंश उसको झेलना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अपनी आइडियोलॉजी से भटक करके नीतीश कुमार के पीछे पीछे चल रही है, अपने आइडियोलॉजी को छोड़ करके हिंदुत्व का जो उसका रास्ता है उसको छोड़ रही है, इसलिए लोग उनसे धीरे धीरे कट रहे हैं। तो फिर ये क्यों वो क्यों नहीं, ऐसी स्थिति में एक बात आप मान के चलिए कि जो हो रहा है वो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं इन दोनों के अलावे ये आधा दर्जन ऐसे लोग हैं जो नीतीश के उत्तराधिकारी के होड़ में शामिल हैं। इसके अलावे कई लोग जदयू में हैं जो नीतीश के उत्तराधिकारी बनने की होड़ में हैं, चाहे आप अशोक चौधरी का नाम ले लें, संजय झा का नाम ले लें, ललन सिंह का नाम ले लें, विजय चौधरी का नाम ले लें, इसके बाद आप अभी हाल फिलहाल मनीष वर्मा आ गए हैं उनका नाम ले लीजिए, या फिर नीतीश कुमार के पुत्र निशांत का नाम ले लीजिए। ये सभी हैं, कौन हिडन बाहर निकल करके सामने चला आएगा और रैंडमली किसको उत्तराधिकारी बनने का मौका मिलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नीतीश कुमार की कुर्सी पर टकटकी लगा के देख रही है कि जैसे ऊपर से गिरेगा तो छान लेंगे, ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नीतीश ऐसे शख्स हैं जो निश्चित नहीं अनिश्चित को निश्चित बनाते हैं और ये उनके राजनीति में कई बार देखा जा चुका है। चलिए देखिए, तो ये परिस्थिति बिहार में नीतीश कुमार ने बना दी है। उनके उत्तराधिकारी कौन होंगे, लिस्ट में कई नाम हैं, इन नामों की चर्चा अब बिहार के राजनीति में तेज हो चुकी है और धीरे धीरे ये इतना मेहनत कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में उस कुर्सी पर दावा भी ठोक सकते हैं। फिलहाल जांच पड़ताल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए भारत लाइव पर, आपको लगातार खबरें मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना, ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाला है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितने भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है, ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।